हेलो स्टूडेंट्स, तो आज फिर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट पोर्शन डील करने जा रहे हैं, जो बैटरीज है। वो क्या है आपका? बैटरीज। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? बैटरी के बारे में पढ़ने वाले। तो बैटरी के बारे में तो आप लोगों को कुछ कुछ पता ही होगा। तो बैटरी हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। जैसे आप घड़ी है तो घड़ी के अंदर क्या है? बैटरी है। मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में भी क्या है? बैटरी है। लैपटॉप चलाते हैं उसमें भी क्या है? बैटरी है। ट्रांजिस्टर जो होता है उसमें क्या है? बैटरी है। तो बैटरी एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस है आज की दुनिया के लिए, चूँकि जितने भी सिग्नल सिस्टम होते हैं उसमें बैटरी का यूज होता है। उसमें क्या होता है? बैटरी का यूज करते हैं हम लोग। तो बैटरी के बिना बहुत सारे काम आपका अधूरा रह सकता है। आपका मोबाइल नहीं चल सकता है, घड़ी नहीं चल सकती है, उसके बाद लैपटॉप हो गया, ट्रांजिस्टर को हो गया, तो ये सब नहीं चला पाएंगे आप किसके बिना? बैटरी के बिना। तो बैटरी आखिर समझना है, इसका कैटेगरी क्या क्या है, कितने भागों में बांटा गया है, इसका काम क्या होता है, इस टाइप से इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे बनता है ये, तो इन सारी बातों पर हम लोग फोकस करेंगे। तो अब चैप्टर का लास्ट है बैटरी। बैटरी में हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और एक फ्यूल सेल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फ्यूल सेल, उसके बाद कोरोजन, उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा? लास्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब आज हम लोग प्राइमरी बैटरी के बारे में बात करेंगे, यानी कि बैटरी के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे बैटरी, आज ये जो टॉपिक होगा वो बैटरी होगा। अब देखिए बैटरी जो है, बैटरी को हम लोग बैटरी ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बैटरी को बैटरी ही बोलेंगे। इसको देखा जाए तो इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। बैटरी को आप दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो होता है प्राइमरी, प्राइमरी बैटरी, इसको प्राथमिक बैटरी भी बोलते हैं, प्राथमिक बैटरी भी बोलते हैं। और दूसरा होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी बैटरी, इसको हम संचायक बैटरी भी बोलते हैं, संचायक बैटरी, ठीक है। तो ये फर्स्ट हुआ और ये आपका सेकेंड हुआ। तो प्राइमरी बैटरी का एक नाम और है। प्राइमरी बैटरी को हम लोग जो है ड्राई सेल भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राई सेल भी बोल सकते हैं, जिसको आप सूखा सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूखा सेल। और एक इसी का और नाम है लैक्लांचे सेल। तो इसी का नाम है, ड्राई सेल बोलिए या फिर लैक्लांचे सेल। तो प्राइमरी बैटरी को हम लोग बोलते हैं ड्राई सेल बोलते हैं या लैक्लांचे सेल बोलते हैं। सेकेंडरी में जो हमें पढ़ना है लेड स्टोरेज बैटरी, वो क्या है आपका? इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं वो है आपका लेड स्टोरेज बैटरी, जो घर में यूज करते हैं हम लोग, इन्वर्टर लगा के जो हम लोग चलाते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी। तो इसके अंदर प्राइमरी बैटरी को याद रखेंगे, प्राइमरी बैटरी का ही दूसरा नाम है ड्राई सेल बोल सकते हैं, लैक्लांचे सेल बोल सकते हैं। सेकेंडरी के अंदर जो पढ़ना हमें लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कि प्राइमरी बैटरी आखिर क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। तो सिंपल में देखा जाए तो ये होता है नॉन डिचार्जेबल। ये क्या होता है आपका? नॉन रिचार्जेबल, नॉन रिचार्जेबल होता है। और ये जो होगा वो होता है रिचार्जेबल। रिचार्जेबल का मतलब आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग मोबाइल का बैटरी जो है, मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज होता है तो फिर से क्या करते हैं? चार्ज कर लेते हैं। तो ये किसके अंदर आ जाएगा? सेकेंडरी के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा? सेकेंडरी के अंदर आ जाएगा। नॉन रिचार्जेबल जैसे घड़ी का बैटरी है, एक बार ख़त्म होता फेंक देते हैं, है ना। तो ये क्या है? नॉन रिचार्जेबल। मतलब प्राइमरी को आप एक ही, मतलब कुछ समय तक यूज कर सकते हैं, और जब उसका मतलब
डेड हो जाएगा, सेल क्या हो जाएगा मतलब कुछ एक निश्चित समय काल तक रिएक्शन करने के बाद इसका रिएक्शन बंद हो जाता है, मतलब अंदर का जो केमिकल्स है वो सब खत्म हो जाते हैं। जैसे कभी कभी टॉर्च का बैटरी आप लोग देखे होंगे, उसको तोड़िएगा ख़त्म हो जाने के बाद तो देखिएगा काला काला टाइप का पाउडर मिलेगा आपको, मतलब उसके अंदर जो रिएक्शन है वो कम्प्लीट ख़त्म हो चुका है, कम्प्लीटली कर चुका है रिएक्शन, तो अब जो है वो डेड हो गया, उसको फिर से यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो चार्जेबल होता है उसको सेकेंडरी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं सेकेंडरी बैटरी बोलते हैं, और उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, मतलब उसका भी समय निश्चित रहता है, जैसे 2 साल 5 साल 3 साल इस टाइप का। लेकिन जो प्राइमरी होता है वो फिर से यूज में नहीं लाया जा सकता है। अब देखिए बैटरी का यूज से फ़ायदा है, जैसे पॉल्यूशन नहीं होता आपका, पॉल्यूशन से आप बच सकते हैं। दूसरी बात है अब लाइन नहीं है तो आजकल घर में बैटरी रखते हैं, वो फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखना है तो ये क्या करेगा, ये बैटरी क्या करता है, केमिकल एनर्जी को किस में बदलता है, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलेगा। ये यहाँ जो बैटरी पढ़ेंगे वो केमिकल एनर्जी को किस में बदलेगा, ये वाला प्राइमरी केमिकल एनर्जी को, इनपुट रहेगा केमिकल एनर्जी, आउटपुट मिलेगा आपका, आउटपुट मिलेगा आपका क्या चीज़, आउटपुट आपका जो मिलेगा वो आपका मिलेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसका जो मतलब पोटेंशियल होता है, इसका जो पोटेंशियल देखिएगा, पोटेंशियल जो होता है वो होता है पोटेंशियल मतलब ई, पोटेंशियल जो होता है इसका, पोटेंशियल बोले तो ई जो है 1.5 वोल्ट होता है, ये कितना होता है 1.5 वोल्ट होता है। इसके अंदर एक और आता है आपका मरकरी सेल आता है, इसी के अंदर क्या आता है एक और, इसके अंदर आता है एक मरकरी सेल आता है, इधर लिख दे रहा हूँ, मरकरी सेल आता है, एक मरकरी सेल आता है। इसका जो पोटेंशियल होता है, इसका पोटेंशियल होता है आपका याद रखिएगा 1.35 वोल्ट होता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका जो है आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम लोग, आप क्या करते हैं पढ़ते हैं उसका, जैसे प्राइमरी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, उसका रिएक्शन पढ़ेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे क्या है, उसका कुछ लैंग्वेजेज है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग गाइड शुरू करते हैं आपका प्राइमरी बैटरी, ठीक है। तो इसका क्या करें फटाफट आप लोग स्क्रीन शॉट ले लें, हम लोग तुरंत आ रहे हैं अभी, ठीक है। तो चलिए बेसिकली हम लोग अब लैंग्वेज देखेंगे, इसका लैंग्वेज मतलब ये कैसे बनता है, तो बहुत ही आसान है आपको समझा दे रहे हैं। पहले याद रखिएगा यदि आप प्राइमरी बैटरी बना रहे हैं तो सबसे पहले एक चाहिए जिंक का बर्तन, क्या चाहिए, एक जिंक का कंटेनर चाहिए। और ये जो जिंक है ये जो है आपका एनोड का काम करेगा, जैसे कि मान लीजिए कोई भी बैटरी है उसमें एक एनोड होगा एक कैथोड होगा। एनोड पर क्या होता है, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन होता है। तो प्राथमिक बैटरी कैसे बनता है, अब ध्यान से यदि स्टोरी सुन लेंगे तो आपको एग्जाम में यदि पूछेगा प्राथमिक बैटरी से आप क्या समझते हैं तो आप बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको सुनना जरूरी है क्या बोला जा रहा है उसको सुनना, उसके बाद फिर लैंग्वेज भी लिखवा दिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बोर्ड के लिए तो आपको लैंग्वेज चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आप ही बोलेंगे सर लैंग्वेज कहाँ गया। तो लैंग्वेज आप जिस स्टेज में आप आ चुके हैं आपसे लैंग्वेज बनना चाहिए, मेरा काम था सिर्फ लेक्चर देना आप नोट्स खुद बना लेते, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए हम लिखवा भी देते हैं बोल भी देते हैं, दोनों तरफ से आपको समझ में आना चाहिए। पहले समझाया जाता है फिर लिखवाया जाता है फिर से समझाया जाता है, मतलब 3 बार आपका रिपीट हो जाता है, इतना तो बच्चे को यहीं पे याद हो जाना चाहिए। अच्छा यहीं पे याद होता है या नहीं होता है कमेंट करके बताएंगे कि आप जो है समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, या दिक्कत हो रहा है आप कमेंट करके थोड़ा बताएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है प्राइमरी बैटरी कैसे बनता है, देखिए सबसे पहले एक जिंक का कंटेनर लेंगे, जिंक का एक कंटेनर मतलब एक बर्तन लिया जाता है, पात्र लिया जाता है, ठीक है। उसके बीच में कार्बन यानी ग्रेफाइट, जानते हैं पेंसिल जो लिखते हैं आप लोग पेज पर, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का रॉड होता है, जैसे बैटरी को तोड़ेंगे तो बीच में काला टाइप का एक रॉड निकलेगा छड़, वो क्या है ग्रेफाइट का है, जिसको आप कार्बन बोल सकते हैं या कज्जल बोलते हैं, कार्बन या फिर कज्जल बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब एक कंटेनर लिए, उसके बीचों बीच में क्या करते हैं ग्रेफाइट का, किसका ग्रेफाइट का छड़ डाल देते हैं। ग्रेफाइट का छड़ डालने के बाद इसके चारों तरफ पाउडर भरा जाता है। अब बोलिएगा ये पाउडर क्या चीज़ का होता है, ये पाउडर होता है मैग्नीज डाई ऑक्साइड MnO2, मैग्नीज डाई ऑक्साइड,
और प्लस कार्बन का पाउडर होता है। क्या होता है? कार्बन। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पाउडर इस छड़ के चारों तरफ भर दिया जाता है, मतलब गैपिंग रहता है इस तरह से, इसमें क्या करते हैं हम लोग भर देते हैं। उसके बाद अब इलेक्ट्रोड के बीच जो खाली जगह रह गया उसमें हम लोग क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड, क्या चीज़, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के पेस्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पेस्ट, चिपचिपा टाइप का पेस्ट होता है। आपको यदि देखना है चाहते हैं तो नया बैटरी खरीदिए, तोड़िए उसको, आपको मिल जाएगा, है ना, क्या क्या उसमें है। तो पहले एक रॉड होता है, रॉड के चारों तरफ पाउडर होता है, पाउडर का नाम याद रखना है क्या चीज़ है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन, मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पाउडर भरा रहता है। और ये जो छड़ है ग्रेफाइट का, ये कैथोड का काम करेगा। किसका काम करेगा? ये कैथोड का काम करेगा। तो जो कंटेनर जिंक के लिए थे, जिंक का कंटेनर, जैसे बैटरी देखिएगा तो नीचे खाली ही रहता है, ऊपर एक कैप लगा रहता है, जिस पर कैप लगा हुआ, मान लीजिए ये कैप लगा हुआ है, ये आपका ग्रेफाइट में लगा हुआ है, तो ये कैथोड का काम करेगा। और जो बैटरी नीचे रहता है सपाट पूरा, तो वो क्या है आपका, वो किसका काम करेगा, वो काम करेगा आपका एनोड का काम करता है। तो जिंक का जो कंटेनर होता है एनोड का काम करता है। उसके बाद फिर पाउडर भरने के बाद उसके चारों तरफ और जो खाली जगह बच जाता है, तो उसमें जो हम लोग नम पेस्ट, है ना, मॉइस्ट पेस्ट जो होता है आपका, किसका, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, उसको भर देते हैं। उसको कागज़ से क्या करते हैं, रैपिंग कर देंगे और एक मेटल का कैप लगा देते हैं, आपका बैटरी बन के तैयार। तो वही बात यहाँ पर लिखा गया है। और ये क्या होता है, नॉन रिचार्जेबल होता है। इसका जो वोल्टेज होता है, इसका जो पोटेंशियल होता है 1.5 वोल्ट होता है, 1.5 वोल्ट होता है। तो इस तरह की बात है। तो आप इसको क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। और यही चीज़ यहाँ पे लिखा हो गया है, देख क्या लिखा गया है, प्राइमरी बैटरी, आपका पूरा कहानी यहाँ पे लिख दिए, प्राइमरी बैटरी क्या, इन द प्राइमरी सेल रिएक्शंस अकर ओनली वंस एंड आफ्टर यूज ओवर ए टाइम ऑफ पीरियड बैटरी बिकम्स डेड and we reused again and that and cannot be, यहाँ पे क्या लगाएंगे, and cannot, याद रखिएगा, and cannot be reused again, मतलब फिर से पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो एक बार फिर से पढ़ देते हैं आपको, in the primary cell रिएक्शन अकर्स ओनली वंस एंड आफ्टर यूज ओवर ए टाइम ऑफ पीरियड बैटरी बिकम्स डेड एंड कैनॉट बी रियूज्ड अगेन, इट इज नॉन रिचार्जेबल। फिर बोला द प्राइमरी सेल कंसिस्ट ऑफ ए जिंक कंटेनर दैट एक्ट्स एज एनोड एंड ए कार्बन रॉड सराउंडेड बाय पाउडर्ड MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड जिसको बोलेंगे एंड कार्बन एक्ट्स एज कैथोड। The space between the electrodes is filled by a moist paste of NH4Cl, ammonium chloride, इसको क्या पढ़ते हैं, ammonium chloride and ZnCl2, zinc chloride। अब देखिए दो electrode हो गया ना, एक container लिए, एक क्या लिए आप, container लिए। तो container जो लेंगे तो container हो गया आपका एनोड, उसके बीचों बीच क्या डाला गया, कार्बन का छड़ जो ग्रेफाइट बोल सकते हैं आप। तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच पहले तो इसके चारों तरफ क्या क्या भरे, आपका मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पाउडर। उसके बाद दो इलेक्ट्रोड बचा, एक ये और ये, दोनों के बीच जो खाली जगह होता है उसमें अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट क्या करता है, करते हैं हम लोग भर देते हैं। इस तरह से इंडस्ट्री में क्या बनाया जाता है, आपका बैटरी बनाया जाता है। तो इसको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, वैसे आपको समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक सेल या बैटरी, प्राथमिक सेल या बैटरी जो भी बोलिए, प्राथमिक सेल में अभिक्रिया एक बार होती है, एक ही बार होगा ना, और ख़त्म होने के बाद फिर से हो पाए नहीं है। और कुछ समय तक प्रयोग में लाने के बाद, कुछ समय तक का मतलब हुआ 10 दिन 5 दिन, जैसे आप टॉर्च का बल्ब जला के छोड़ देंगे कितना चलेगा, 5 घंटा 10 घंटा महीना, ठीक है। तो और कुछ समय तक प्रयोग में लाने के बाद बैटरी निष्क्रिय हो जाती है, मतलब कोई काम का नहीं रह गया वो, तथा इसका पुनः उपयोग नहीं की जा सकती है, प्राथमिक बैटरी को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, मतलब नॉन रिचार्जेबल है, तो इसको हम लोग फिर से आवेशित नहीं कर सकते, फिर से चार्ज नहीं कर सकते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट यहाँ से देखिए, ये फर्स्ट पॉइंट का था हिंदी, यहाँ तक सेकेंड पॉइंट का ये वाला है। तो प्राथमिक सेल में एक जिंक का पात्र होता है, पात्र मतलब कंटेनर बर्तन होता है, जो एनोड का कार्य करता है, किसका कार्य करता है, एनोड का कार्य करेगा, तथा कार्बन छड़ जिसके चारों ओर MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसको क्या पढ़ते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड
तथा कार्बन के चूर्ण घिरा होता है, कैथोड का कार्य करता है। ये किसका करता है? तो जो कार्बन का जो छड़ है वो कैथोड का काम करेगा। इलेक्ट्रॉनों के बीच के खाली स्थान को NH4Cl, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड। ZnCl2 को क्या बोलेंगे? जिंक क्लोराइड के नाम पे से भर दिया जाता है। और जैसे हम लोग उसमें तार लगाएंगे, बल्ब लगाएंगे और स्विच को देंगे तो क्या हो जाएगा? बैटरी आपका जलने लगेगा, बल्ब जलने लगेगा, मतलब वहाँ केमिकल रिएक्शन होगा। तो केमिकल रिएक्शन भी दिखाएंगे कि कैथोड पर क्या होता है, एनोड पर क्या होता है। फिर आपका इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है बैटरी का, अभी बना के दिखाते हैं। पहले रिएक्शन लिखवा के उसके बाद फिर उसका कंस्ट्रक्शन कर देंगे। तो फिलहाल आप क्या करें, इसका क्या फटाफट क्या करें, स्क्रीन शॉट ले लें, आगे बताते हैं। स्क्रीन शॉट लें इसका। चलिए बच्चे इसका रिएक्शन देखिए। इतना लिखने के बाद आप रिएक्शन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रिएक्शन क्या क्या हो रहा होगा। तो इसमें दो टर्मिनल है, एनोड। एनोड किसको बोला गया है? जिंक के बर्तन को। किसको बोला गया है? जिंक का पात्र लिया गया, उसको एनोड बोलते हैं। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है। तो ZN था और ये ZN किसमें बदल जाएगा? ZN2+, और यहाँ पे कितना बचा? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कैथोड का जो काम करता है ना, कैथोड का काम जो करता है, ग्रेफाइट के चारों तरफ क्या होता है आपका? मैंगनीज डाइऑक्साइड होता है। छड़ है, छड़ के चारों तरफ क्या होता है? मैंगनीज डाइऑक्साइड होता है। उसमें हम लोग अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट डालते हैं। क्या डालते हैं? अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट। तो अमोनियम क्लोराइड जब टूटेगा, जैसे आपका NH4 है और Cl है, ये जब ब्रेक करेगा तो NH4+ और Cl क्या हो जाएगा? माइनस। Cl क्या हो जाएगा? माइनस। तो कहने का मतलब यहाँ पे कैथोड पर होता है रिडक्शन। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बच्चे? गेन करेगा। तो देखिए क्या बनता है यहाँ पे, MnO2 था। यहाँ से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो NH4 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कितना बन जाएगा? NH4। NH4 में से एक हाइड्रोजन आपका कौन ले लेगा? एक हाइड्रोजन ले लेगा MN। कौन ले लेगा? MN ले लेगा। तो यहाँ बन जाएगा MnO और एक क्या बन जाएगा? OH। M यहाँ पे दो O है, यहाँ पे O2 है, तो मतलब इसको आप यहाँ पे दो O2 होता है, एक MnO मैंगनीज ऑक्साइड बच जाएगा और एक हाइड्रोक्साइड यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा। और यहाँ पे साथ में क्या निकलेगा? अमोनिया गैस। क्या देगा ये? अमोनिया गैस देगा। अब ऑल रिएक्शन की बात करें तो देखिए, ये दो इलेक्ट्रॉन इधर दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर, इसको एरो से उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। मतलब दो में से एक गया, कितना बचेगा? एक। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जोड़िए, ओवरऑल में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। अब देखिए पहले क्या है, ZnS है, ZnS लिख दिए, अब तो इधर कुछ नहीं है। उसके बाद क्या है? MnO2, तो MnO2+। क्या है? NH4 है, तो क्या लिख दिए? NH4+। अब बोलिएगा एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, उसको उधर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए ये साइड आइए, तो इधर क्या बच रहा है आपका? ZN2+। उसके बाद क्या है? MnOOH, MnOOH प्लस NH3 है। अब इसका काम करें तो दो इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन गया, कितना बचेगा? एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ये रिएक्शन है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान में रखना पड़ेगा ये रिएक्शन को। तो देखो ज़्यादा भारी नहीं है आपका, ZN है, ये किस में बदलेगा? ZN2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, MN2+ NH4+। तो ये कहाँ से आया? चूँकि ये टूटेगा, ये ब्रेक होगा तो ये बनेगा, तो इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन जुटेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो इसका यहाँ पे जुट जाएगा। तो कहने का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया ये। और दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या मिलेगा? ओवरऑल रिएक्शन। तो इसको क्या करें आप, जल्दी से इस रिएक्शन का जल्दी से क्या करें, स्क्रीन शॉट ले लें। उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब इसका फिगर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन दिखाते हैं। वो क्या दिखाते हैं? इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ठीक है। फटाफट लिख लें, चलिए हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं आपका इसका फिगर का, कैसे बनाते हैं कंस्ट्रक्शन, है ना। तो अभी देखेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन, जिसको बनावट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका बनावट देखा जाए तो सबसे पहले एक जिंक का कंटेनर लेना पड़ेगा। जिंक का, किसका? जिंक का कंटेनर। तो बनाने का तरीका ये है बच्चे, जैसे मान लिया जाए जिंक के कंटेनर के आपका बीचों बीच एक इलेक्ट्रोड डालते हैं,
जो ग्रेफाइट है जिसको हम कार्बन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कार्बन। ये कार्बन का क्या है? इलेक्ट्रोड है। ये आपका कंटेनर के बीचों बीच रहता है। इस टाइप का, ठीक है। अब देखिए ये, इसको यदि हम इस तरह से कर दें, बैटरी बनाने कोशिश कर रहे हैं, इसको आप ड्राई सेल भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ड्राई सेल भी बोल सकते हैं, लैक्रांचे सेल। आपको पहले बता दिए, क्या बता दिया गया है कि जो आपका प्राइमरी बैटरी होता है उसको हम लैक्रांचे, क्या चीज़, लैक्रांचे या फिर ड्राई सेल बोलते हैं, शुरू में लिखवा दिया गया था, ठीक है। इस टाइप का है, मान लिया जाए। बैटरी तो आप लोग सब लोग देखे ही हैं कैसे होता है। अच्छे से बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है, ये आपका अंदर जो प्लेट दिख रहा है, ये वाला, ये आपका जिंक का है। ये जो प्लेट देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप अंदर वाला, तो ये जो कंटेनर होता है ये वाला, तो ये एक पहले क्या है, ये एक जिंक कंटेनर है। आप देखिए, समझिए ठीक से, ये क्या है आपका? एक जिंक कंटेनर है। अंदर वाला जो है आपका जिंक कंटेनर है, जिंक का बर्तन है, ये जिंक कंटेनर है। जिंक कंटेनर के बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक रॉड डालते हैं जो आपका कार्बन का होता है। किसका होता है? कार्बन का होता है। ये आपका जो रॉड है बच्चे, ये जो रॉड है आपका, ये कार्बन का है। कार्बन का है तो ये ग्रेफाइट का है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन, ठीक है। और ये जो परत दिख रहे हैं, ये वाला जो देख रहे हैं अंदर वाला जो फॉयल देख रहे हैं, ये वाला कवर अप जो किया गया, ये वाला, क्योंकि आप रैपिंग तो देखे होंगे, आपका जो कागज़ या कोई चीज़ से आपका कवर किया जाता है बैटरी का ऊपर वाला भाग, देखे होंगे निप्पो वगैरह बैटरी, जब देख लेंगे जो नहीं देखें। और ये जो कंटेनर है, ये वाला, ये जिंक का ZN, ये क्या है आपका? ZN। और ये जो जिंक का जो है आपका, ये किसका काम करेगा? ये आपका एनोड का काम करता है, और ये किसका काम करता है? कैथोड का, लिखवा देंगे। और एक बात और देखे होंगे बच्चे आप लोग, इसके ऊपर में एक आपका कैप लगा होता है, मेटल स्ट्रिप, एक कैप लगा होता है। ये क्या आपका? कैप लगा हुआ है इस टाइप से, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, अब इसके अंदर क्या डालते हैं? तो सबसे पहले ये जो रॉड दिख रहे हैं, ये जो अब रॉड देख रहे हैं, इसके चारों तरफ जो है पाउडर भरा जाता है। क्या भरा जाता है? पाउडर। ये आपका पाउडर है। अब ये पाउडर किसका है, ये जानना आपको जरूरी है। ये पाउडर जो है आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये जो पाउडर है आपका, ये है आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसके देखिए, छड़ के चारों तरफ, मतलब जो लैंग्वेज लिखा गया है उसी के आधार पे ये फिगर टू बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं रॉड के चारों तरफ, है ना, ये तो ग्रेफाइट रॉड है। अब इसके चारों तरफ जो ये भरा हुआ है, ये पाउडर्ड, ये जो भरा हुआ है बच्चे, इसको आप बोलिएगा, ये है आपका पाउडर्ड
MnO2, मैग्नी डाइऑक्साइड एंड कार्बन। एंड क्या है C4, यहाँ क्या है कार्बन। C4 क्या है यहाँ पे कार्बन। ध्यान से देखिए C4 यहाँ पे क्या है कार्बन। आ रहा है समझ में? तो एक जिंक का कंटेनर लिया गया, क्या लिया गया, एक जिंक का कंटेनर लिया गया, ठीक है। उस कंटेनर के अंदर क्या डाला गया, ग्रेफाइट यानी कार्बन का रॉड डाला गया है। और इस कार्बन के रॉड के चारों तरफ क्या डाला गया है, पाउडर्ड मतलब चूर्णित चूर्ण MnO2 एंड कार्बन का पाउडर डाला गया, ठीक है। तो बैटरी बना रहे हैं हम लोग। अब क्या है, ये जो खाली जगह है, ये जो एक खाली स्पेस दिख रहा है, दो ये खाली स्पेस किसके बीच दिख रहा है, ये खाली स्पेस जो दिख रहा है आपका, क्या बोलते हैं, दो इलेक्ट्रोड के बीच, एक इलेक्ट्रोड ये है और दूसरा इलेक्ट्रोड ये वाला है, ये जिंक वाला है, ठीक है। ये दोनों के बीच जो खाली जगह दिख रहा है, इसके अंदर पेस्ट भरा जाता है। क्या भरा जाता है, पेस्ट। इसके अंदर जो है पेस्ट भरा जाता है। तो पेस्ट के लिए कुछ ऐसा लिखेंगे हम लोग। तो बैटरी को जब आप तोड़ेंगे तो मिलेगा आपको इसके अंदर क्या भर दिए, पेस्ट। और ये जो पेस्ट है बच्चे, ये जो पेस्ट है आपका, वो है आपका अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का ये आपका पेस्ट है। तो ध्यान देंगे इसको, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का ये इसमें पेस्ट भर दिया गया। आ रहा है समझ में? तो ये जो है आपका NH4Cl एंड लिख सकते हैं पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl। आ रहा है समझ में? तो ये पेस्ट जो है, और इसको कवर अप कर दिया जाता है। ये क्या होता है, कवर हो जाता है। ये क्या कर दिया जाता है आपका, कवर। ये आपका कवर कर दिया गया, रैपिंग कर दिया जाता है, कागज से बांध दिया जाता है चारों तरफ से, ठीक है। तो इस टाइप का मार्केट में बैटरी मिलता है। अब क्या है, ये जो है आपका पॉजिटिव, और ये क्या है, नीचे वाला जो पार्ट होता है लिखा रहता है आपका नेगेटिव। तो बैटरी में जब देखेंगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा, बैटरी में यहाँ ऐसे लिखा रहेगा पॉजिटिव और इधर रहेगा नेगेटिव, है ना। तो पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे ये तो आपका ये हो गया पॉजिटिव, और नीचे वाला क्या हो गया नेगेटिव, यानी कि ये पॉजिटिव है और नीचे वाला क्या है नेगेटिव। पॉजिटिव को यहाँ कैथोड बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। और ये हो जाएगा आपका एनोड, माइनस भाग क्या हो जाएगा आपका, एनोड हो जाएगा। तो इस टाइप का आपका बैटरी रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी बैटरी बोलिए या प्राइमरी प्राइमरी सेल बोलिए, सेल बोलिए, बैटरी बोलिए, जो बोलना है। क्योंकि बैटरी जब सीरीज में जोड़ देते हैं ढेर सारे तब बनता है। या फिर इसी को बोलते हैं आपका लैक लांचे सेल, या फिर ड्राई लैक लांचे सेल, ड्राई सेल, जो बोलना है। तो ये आपका बन गया आपका प्राइमरी बैटरी, ठीक है। तो प्राइमरी बैटरी का ही मतलब, प्राइमरी बैटरी या सेल को ही हम लोग बोलते हैं, प्राइमरी बैटरी या सेल को ही हम लोग बोलते हैं लैक लांचे सेल या फिर ड्राई सेल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद हो गया होगा, है ना। एक जिंक का कंटेनर लिए, उसके अंदर क्या डाले, ग्रेफाइट का एक छड़ डाले, छड़ के चारों तरफ मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पाउडर भरे। पाउडर भरने के बाद जो खाली जगह बच गया दोनों इलेक्ट्रोड के बीच, एक इलेक्ट्रोड ये जिंक का है और दूसरा आपका ये है, इसमें पेस्ट भर दिए। क्या भर दिए, ये जो दिख रहा है ये पेस्ट है। किसका पेस्ट है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, ये क्या है आपका पेस्ट है। और पेस्ट भरने के बाद अब क्या करेंगे, मान लीजिए जलाना है कोई चीज़, तो एक तार यहाँ पे जोड़ेंगे और एक यहाँ पे सटाएंगे, ऐसे करके ऐसे करके। अब मान लीजिए यहाँ पे जोड़ दिए हम लोग क्या चीज़, बल्ब जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, बल्ब जोड़ देंगे। तो बल्ब यदि जोड़िएगा, यदि बल्ब को जोड़ेंगे हम लोग,
बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। बल्ब क्या करेगा आपका? ग्लो करेगा। तो यहाँ जो रिएक्शन हो रहा है वो रहा है स्पॉन्टेनियस हो रहा है, बाहर से कोई एनर्जी हम लोग नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या है आपका? प्राइमरी सेल है। ये क्या है? प्राइमरी सेल है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि प्राइमरी सेल के अंदर प्राइमरी सेल को क्या क्या बोल सकते हैं, और इसका जो पोटेंशियल होगा, इसका जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल बता चुके हैं कितना होता है जी, पोटेंशियल अर्थात ई 1.5 वोल्ट होता है। और एक सेल और होता है आपका जो मरकरी है, जो कि आपका मरकरी सेल, उसको हम लोग लो करंट डिवाइस में यूज करते हैं, लो करंट डिवाइस में, जैसे सुनने के लिए कान में सुनने के लिए जो आता है डिवाइस उसमें होता है। और आपका जो वॉचेज में घड़ी में जो बैटरी रहता है वो आपका क्या रहता है, मतलब मरकरी सेल रहता है। क्या रहता है आपका? मरकरी सेल रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा लो करंट डिवाइसेस के लिए, लो करंट डिवाइसेस के लिए क्या क्या यूज होता है आपका? मरकरी सेल होता है। और उसमें जो है आपका मरकरी सेल जो होता है लो करंट डिवाइस होता है, और इसका उपयोग किया जाता है आपका वॉच के घड़ी में, घड़ी के बैटरी में, घड़ी का जो बैटरी होता है वो वही होता है। उसके बाद सुनने के लिए कुछ डिवाइस आता है उसके लिए, ठीक है। तो आज का अभी क्या करें, इसका स्क्रीन शॉट ले लें ठीक से, और इसको क्या करेंगे ठीक से नोट कर लेंगे, नोट इसका क्या करेंगे बना लेंगे आप लोग, और आगे देखते हैं। चलिए मरकरी सेल के बारे में भी कुछ बता देते हैं, मरकरी सेल का कुछ आपको बता देते हैं, उसके बाद ये लेक्चर आज का ख़त्म होगा आपका। तो इसका क्या करें, जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लें, इसका क्या ले लें जल्दी से। यदि आज आपको समझ में आ गया तो कमेंट करेंगे कि हाँ समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल था आपका। चलिए स्क्रीन शॉट लीजिए। तो चलिए अभी देखते हैं हम लोग मरकरी सेल। तो इसमें कुछ नहीं है, बस कभी कभी इसका वोल्टेज वगैरह पूछ सकता है, या फिर नहीं भी आता है, जल्दी पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखेंगे यदि कुछ आ गया तो। तो देखिए मरकरी सेल जो है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि लो करंट डिवाइसेस में यूज किया जाता है। लो करंट डिवाइसेस का मतलब होता है जिसमें करंट की बहुत कम आवश्यकता होती है, जैसे घड़ी का जो बैटरी है या सेल, घड़ी का सेल हुआ, जो कान में एक सुनने वाला डिवाइस होता है उसमें जो बैटरी होता है उसको बोलते हैं लो करंट डिवाइसेस, ठीक है। इसमें एनोड जो लिया जाता है वो लिया जाता है जिंक मरकरी एमलगम, मतलब जिंक ही रहता है, लेकिन उसके ऊपर क्या चढ़ाया रहता है आपका? एच जी रहता है। क्या रहता है? एच जी रहता है। दूसरा याद रखेंगे पेस्ट ऑफ एच जी ओ एंड कार्बन, ये कैथोड का काम करेगा। तो यहाँ पे जो कैथोड होता है वो होता है एच जी ओ और कार्बन होता है, और इसके अंदर जो डाला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक पेस्ट। तो इलेक्ट्रोलाइटिक, यदि कोई पूछे कि मरकरी सेल में इलेक्ट्रोलाइटिक पेस्ट किसका होता है, तो याद रखिएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये टूटेगा तो क्या बनेगा? के प्लस ओ एच माइनस, और ये टूटेगा तो बनेगा जेड एन टू प्लस ओ टू माइनस। अब ये सारे मिलकर रिएक्शन करते हैं, तो देखिए इसको बोलते हैं जिंक एमलगम, यहाँ लिख दिया गया। ये क्या है आपका? जिंक एमलगम, ये एनोड का काम करता है। अब बोलेगा 2OH कहाँ से आया? तो ये जब ब्रेक करेगा KOH टूटेगा, तो यहाँ के कंबाइन किया, ये आयरन ओर में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? निकालेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन एक चीज़ और होता है, आप सीखे होंगे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब एडिशन होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है उसको भी क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन। एडिशन क्या होता है? रिडक्शन में होता है आपका हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजन का एडिशन, ऑक्सीजन का आपका रिमूवल। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जुट रहा है किससे? जेड एन से। क्या बना लिया? जेड एन ओ बना लिए, और तो जेड एन ओ बना लिए, तो एक ऑक्सीजन आया तो एक ऑक्सीजन बच रहा है, तो यहाँ हो गया एस टू ओ, ये क्या बन जाएगा? एस टू ओ। और कितने इलेक्ट्रॉन को देगा? ये दो इलेक्ट्रॉन को देगा। कितना इलेक्ट्रॉन को देगा? दो इलेक्ट्रॉन को देगा। अब कैथोड में देखिए, कैथोड में लेते हैं हम लोग आपका एच जी ओ लेते हैं, क्या लेते हैं? एच जी ओ। अब क्या है, इसके साथ फिर रिएक्शन कर लेगा वाटर, कौन कर लेगा? वाटर कर लेगा, और ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दोनों अब क्या करेगा? इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो ये बना लेता है एच जी और 2H-। ओवरऑल रिएक्शन में तो कुछ होता नहीं है, जोड़ देते हैं दोनों को, तो जोड़िएगा तो देखिए सबसे पहले कौन कौन कट रहा है आपका? ई एच टू ओ इधर है और ये एच टू ओ किधर है? एरो से उस पार है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल। फिर दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? बच्चे एक बचा आपका
फिर OH OH से कैंसिल हो जाएगा, OH कहीं है, हाँ 2H, ये वाला 2H और 2H कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना ZnHg प्लस HgO, फिर क्या दिए एरो, ये दोनों काम हो गया एडिशन, आगे बढ़ेंगे तो क्या बच रहा है ZnO, तो ZnO लास्ट में Hg लिक्विड अवस्था में बच रहा है, तो ये क्या आपका ओवरऑल रिएक्शन। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि प्राइमरी सेल क्या होता है ना, तो प्राइमरी सेल भी क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। एक फिगर बना के भी आपको दिखा दी, ठीक है, उसी टाइप का जो घड़ी वाला बैटरी होता है वो उसी का रिएक्शन है, घड़ी वाला जो बैटरी होता है गोल टाइप का, उसी का ये क्या आपका रिएक्शन है। तो आज का लेक्चर इतना ही, ठीक है, यदि आपको समझ में आता है लेक्चर और लगे आपको कि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा अपना काम कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, चूँकि देख रहे हैं मतलब कि सब्सक्राइबर जो है लगभग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं जितने स्टूडेंट, उसमें से 18% जो है सब्सक्राइब ही नहीं किए, बस ऐसे ही देखते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आपका भी बनता है, जैसे आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है तो आपका भी थोड़ा सा कोशिश होनी चाहिए, ठीक है, तो इस तरह से दुनिया चलती है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आपके मन पर डिपेंड करता है, मन करे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नहीं करे तो मत कीजिए, हम अपना काम करते रहेंगे, आप पे डिपेंड करता है, आप पे छोड़ दिए। तो ठीक है बच्चे, तो आज इतना ही हम लोग देखे, आज प्राइमरी सेल को डील किया, अब बच गया यहाँ पे सेकेंडरी, क्या बच गया सेकेंडरी, जिसको स्टोरेज लेड स्टोरेज बैटरी वहाँ पे पढ़ना है, तो वहाँ पे आप सीखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आप सीखने वाले हैं कि बैटरी कैसे काम करता है, वो बैटरी के अंदर क्या क्या होता है, जो घर में यूज करते हैं बड़ा बड़ा बैटरी, उसके अंदर क्या होता है, कैसे काम करता है, रिएक्शन क्या है उसका, तो वो सारे चीज़ हम लोग डील करेंगे सेकेंडरी बैटरी पर पढ़ने के बाद। फिर बच जाएगा कोरोजन, क्रोजन के बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा आपका ख़त्म हो जाएगा। आप लोग क्या करें कि जो जितना भी पढ़ा दिया गया उसका नोट्स जितना जल्दी हो आप रेडी कर लें, नोट्स को जल्दी से जल्दी आप रेडी करें और कमेंट करें, यदि समझ में आता है तो कमेंट करें, नहीं आता है तो फिर भी कमेंट करें और बताते रहें तो हमें जानकारी मिलेगी। यदि आप कमेंट करते हैं तो हमें समझ में आता है कि नहीं, मतलब आपको समझ में आ रहा है, मान लीजिए कमेंट वगैरह नहीं आता, लाइक्स वगैरह नहीं आता है तो लगता है कि समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, कि हम फालतू में यहाँ बकबक कर रहे हैं, तो इस तरह की बात है। तो आपसे आपके तरफ से जब रिस्पांस मिलता है तो मन करता है कि चल भाई रिस्पांस आ रहा है कि नहीं, तो कुछ भलाई हो रहा है मेरे द्वारा, तो इसलिए मन कर, तो चूँकि आप यूट्यूब में तो आपको कुछ देने की ज़रूरत है नहीं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो कहने का मतलब इतना आप काम कर सकते हैं, है ना, वो आप पे डिपेंड करता है, हम कुछ नहीं ज़बरदस्ती तो कोई बात तो यहाँ है नहीं, आप पे डिपेंड करता है, आपको लगता है कि कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है तो आप भी थोड़ा क्या करेंगे ध्यान देंगे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और कॉपी में नोट्स रेडी कर लेंगे, यदि एग्जाम में आता है प्राइमरी सेल क्या है तो आप बिंदास होकर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ढेर सारे पॉइंट्स एक्सपेरिमेंटली भी बता दिया गया है, रिएक्शन भी आपको लिखवा दिया गया है। तो ठीक है बच्चे, आज इतने ही, थैंक यू वेरी मच।